दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रांड हब नियर रेड लाइट चौक पानीपत, को स्पॉन्सर्ड बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। धनसोली गांव में नकली शराब पीने से हुई मौतों के बाद जागा प्रशासन, शराब तस्करी पर शिकंजा कसना शुरू। दीपावली पर सोने की कीमत में तेजी की संभावना, धनतेरस व दिवाली तक सोने की कीमत हो सकती है 54,000 रूपए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्यामलाल महिवाल ने मतलोडा और उरलाना में मिठाई बनाने वाली फैक्ट्रियों में की ताबड़तोड़ चेकिंग। 7,00,000 रूपए की सुपारी लेकर दोस्त राजकुमार की पत्नी पर गोलियां चलवाने के आरोपित बापोली के सुनील उर्फ शिल्ला को पुलिस ने बापोली से किया गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर भेजा गया 2 दिन की रिमांड पर। सनोली रोड पर ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से एक्टिवा सवार बुजुर्ग हैंडलूम व्यवसायी की हुई मौत। सनोली रोड स्थित सब्जी मंडी मजिस्ट्रेट न मिलने की वजह से नहीं हो पाई शिफ्ट, मंडी शिफ्ट करने की अंतिम तारीख थी 5 नवंबर। भ्रूण हत्या रोकने एमटीपी किट की बिना लाइसेंस बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिले में विशेष सेल गठित होने का कर रहा है इंतजार। नगर निगम में आरंभ फाउंडेशन की गर्ल्स विंग ने मेयर अवनीत कौर को कार डस्टबिन सौंप कर अभियान के 5वें चरण की शुरुआत। मेयर ने कहा, पानीपत को हम सभी मिलकर बनाएंगे स्वच्छ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।